एक बुजुर्ग की जान बचाने गए तीन युवक खुद ही फंसे बाढ़ में, प्रशासन की टीम ने किया रेस्क्यू। विगत दिवस की देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो कहीं नदी नाले उफान पर हैं। जहां लखनादौन के शनिदेव मंदिर एवं मोक्षधाम के समीप से गुजरने वाले नाले पर एक बुजुर्ग की जान बचाने गए तीन युवक खुद ही बाढ़ में फंस गए। युवकों ने बताया कि वो लोग रात 4 बजे से बाढ़ में फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू प्रशासन की टीम ने करीब सुबह 7 बजे किया। दरअसल पूरा वाकया उस वक्त हुआ जब एक बुजुर्ग को बहता देख उसे बचाने तीन युवक पहुंचे थे। जब पानी का बहाव कम ही था, लेकिन अचानक पानी का बहाव बढ़ जाने से युवकों ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए अपनी कार से निकलकर शमशान घाट की बाउंड्री वाल में शरण लेना उचित समझा। लेकिन गनीमत रही कि लखनादौन SDM हिमांशु जैन के संज्ञान में जब यह बात पहुंची, तो उन्होंने नगर परिषद CMO गजेंद्र पांडे को निर्देशित कर नगर परिषद रेस्क्यू टीम को और पुलिस अमले को भेजकर युवक बाढ़ में फंसे कपिल तिवारी, अर्पित जैन और सुमित को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिसमें नगर परिषद एवं पुलिस टीम का सराहनीय योगदान रहा। बाढ़ में कब से फंसे हुए हैं और किसको बचाने आए थे? लोगों को कहना नहीं, हम फंसे नहीं थे आगे भाई, हम यहाँ आए थे पेट्रोल डलाने। एक दादा खंभा पकड़ के पानी में लटके थे, तो हमने कहा जाके उनके पास गए, उस समय पानी नहीं था ज्यादा, लेजेड थे, पकड़ के जहाँ खंभा पकड़ के खड़े थे तो उनको पकड़ के अपन ने वापस पैदल छोड़े, यहाँ तक आए पानी पड़ गया, हमने रिक्शा नहीं ली भाई, हमने गाड़ी खड़ी कर। तो इसके लिए आपने किसी प्रशासन को या किसी प्रशासन अमले को फोन किया आपने कि हमारा फोन ही नहीं था हमारे पास, स्विच ऑफ का फोन, नहीं तो हम फोन भी लगा लगाते प्रशासन। कितनी रात से फंसे हुए आप यहाँ पर? सुबह 4 बजे से। 4 बजे से, और प्रशासन अमला कब पहुँचा यहाँ पर? 7 बजे के आसपास। 7 बजे जब निकला उसके बाद आए।